वहाँ पे ना एक भाई अभी डूब गया है, उसके साथ भाई आया हुआ रो रहा है। तो इतना बड़ा पंखा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो मिला था मुझे, ऐसा लगता था मुझे मेरी सारी दुनिया में गई। सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल जगह में जा रहे हैं और वो प्लान कैसे हुआ सब आप लोगों को बताते हैं। देखो क्या है ना, मैं क्रिकेट के लिए घर आ रहा था, जैसे ही घर पहुंचा एक बंदे का कॉल आता है और बोलता भाई उज्जैन चलेगा। तो मैं बोला यार ऐसा अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है और अपन मना कैसे कर दें। तो अगर आप लोग सोच रहे हो बंदा कौन जो कॉल करने वाला, वन एंड ओनली मुरली भाई अपना। मुरली क्या है ना यार, मेरे को कॉल करता है भाई उज्जैन चलेगा, तो मैं तुम्हारा भाई मना ही नहीं कर पाया। मैं बोला भाई कब चलना है ये बता। तो ये 8 बजे कॉल करता, बोलता 9 बजे चलेंगे, सब कुछ रेडी रहे, फटाफट कपड़े वगैरह पैक करके मैं रेडी हो गया। तभी यहाँ से कहाँ चलना है ये बता। यहाँ से अपन को चलना है भोपाल स्टेशन मेन। लो भाई लोग हमारे जो कुछ लोग हैं उधर पहुँच गए हैं, तो अभी हम लोग भी चलते हैं यहाँ से और बस लेते हैं। आज हम लोग बस से जा रहे हैं, पहले हमारा प्लान था स्कूटी से, दो तीन लोग थे तो हम लोग सोच रहे थे स्कूटी से चलेंगे। बोल रहा बंद हो गया, नहीं बंद हुआ भाई, चल रहा है। 5-6 लोग हो गए, इसलिए अभी हमको बस से जाना पड़ेगा क्योंकि इतने लोग स्कूटी में नहीं जा पाएंगे। हम लोग बस यहीं पे उतार दिए, थोड़ा चल के हमको इधर आगे जाना पड़ेगा, थोड़ी दूर है हमसे रेलवे स्टेशन, बट कोई नहीं चल लेंगे। और अभी एक नशेला आया था बस में, ये चल रहा था थोड़ा, उसी कुटाई होने तो बच गई भाई। बस में थे हम लोग भी कुछ नहीं बोले, इधर से थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। और ये हमारे मुरली भाई, क्या मुरली भाई कुछ देर चल रहा है। अरे यार टिकट कैंसिल हो गई यार। सही होता रिजर्वेशन कैंसिल हो गया। रिजर्वेशन झूठ मत बोल भाई, इसने कराया नहीं रिजर्वेशन। हेलो गाइस, बाबा हेलो गाइस, हाय फ्रेंड, क्या करना है। बस अभी हम निकल रहे हैं महाकाल के द्वार, यहाँ से भोपाल जंक्शन महाकाल के दर्शन करने। महाकाल के दर्शन करने देखो ये लोग दौड़ के जा रहे हैं क्योंकि 10 मिनट बचे हुए हैं। और पहले मैंने सोचा यार कि मतलब थोड़ा ही दूर होगा, पीछे में बहुत दूर था। मैं तो सोच रहा था कि ये जो जगह है ना, मैं सोचा इस जगह पे अपन को बस उतारी है, बट बस ने बहुत पीछे उतार दिया था, हालत गंभीर हो गई। और हमारे जगत मामा को देखो क्या स्पीड पकड़ के चल रहे हैं। क्यों मुरली भाई, जगत मामा की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। भाई लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं, ये रहा हमारा स्टेशन। मैंने तो सोचा था टिकट नहीं लेंगे यार, ऐसी चलेंगे तुम्हारे भाई की एक और वीडियो बन जाएगा, बट कैमरे में बैटरी वगैरह नहीं है, नहीं तो जो मैं सोच रहा था कि ट्रेवलिंग विदाउट टिकट का वो चैलेंज हो जाता, बट कोई नहीं उसको बाद में करेंगे। इतना बड़ा पंखा पूरे कैमरे में आ रहा मेरे। और अभी देखो आप रेलवे स्टेशन में कितनी ज़्यादा भीड़ है, देखो पूरी पब्लिक। मैं आप लोगों को पूरा घूम के राउंड दिखा दूँ। अगर आप लोग भोपाल से उज्जैन जाना चाहते हो, टिकट प्राइस ओनली 75 रुपीज़। 75 रुपीज़ का टिकट लो, 6 घंटे बैठो ट्रेन में और निकल जाओ। और ये ट्रेन है ये, अगर रिजर्वेशन कराओगे तो 150 समथिंग चला जाएगा, बट रिजर्वेशन नहीं कराओगे नॉर्मल है, जनरल में जाओगे तो 75 रुपीज़। सबसे पहले मैंने अपने लिए इधर जगह बनाई थी, मैं जब भी आता हूँ तो ट्रेन में इधर साइड ही जगह ढूंढता हूँ, अगर मेरे पास टिकट नहीं है कंफर्म तो। जनरल में आता हूँ तो इधर की जगह ढूंढता हूँ, बस इधर साइड बैठ के, इधर साइड बैठ के एक नंबर है। बाकी हमारे मुरली भाई, हेलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये अच्छा है क्योंकि 3 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते, तभी हम लोग जगह पकड़ लिए है क्यों तो नीचे भटके, इससे अच्छा यहाँ मस्त लेटे हुए। महाकाल की नगरी में कदम रख चुके हैं और हमारे साथ ही हमारी पलटन है। आ जाओ भाई सब लोग आ जाओ। एंड यार मैं जहाँ पे लेटा हुआ था ना, मैं सोचा कि मेरे को वहाँ पे आराम मिलेगा, बट आराम तो कुछ ऐसा मिला नहीं, पसलियों में और दर्द चालू हो गया है। अभी यहाँ से हम लोग को 2 किलोमीटर चल के चलना पड़ेगा। जा रहे हो भाई, मेरे को लग रहा कि लोग पीछे छोड़ के कहीं निकल ना जाए। मुरली एक बात होता इधर, जो अपन ब्रश वगैरह लेके हैं उसका यूज़ कब करना है। छिपरा में जाएंगे नहाएंगे, छिपरा में जाके यूज़ करेंगे, यही क्यों नहीं कर लेते हैं। अरे हाँ यही बात भाई, यार भाई हम लोग ब्रश वगैरह लाए यहीं कर लेते हैं, छिपरा में कौन वेट करे इतना।
चलो भैया पैदल पुल के मजे लेते हुए। जय श्री महाकाल। चलो भाई देखो, जब मैं मामा लोग के साथ आया था तो ये सब नहीं कर पाया था, इसलिए इस बार दोस्त एक बार बताओ, अगर फैमिली के साथ आते मजा नहीं आता। मैं फैमिली के साथ आता मजा नहीं आता। फैमिली ट्रिप नहीं है ये, ये दोस्तों वाली ट्रिप है। इसमें ज्यादा मजा आता है, इसमें हम एंजॉय करेंगे। असली मजा आता दोस्तों के साथ ही आता है मेरे भाई। ये तो है भाई, दोस्तों के साथ में एक अलग मजा आता है। देखो मैं मामा लोग के साथ आज 2 किलोमीटर जो था ना थोड़ा सा भारी लग रहा था, लेकिन आज पता नहीं चलने वाला, ये तो कन्फर्म है। आने में ना एक चीज़ फायदा रहता है, पूरी गलियों में लाइटिंग की हुई है ताकि कौन सा है? अरे वही है, हाँ वही उधर से चल रहा है, तिलक मार्ग चलना तो वही से, यहीं से। भाई अभी रास्ता भूल गए थे, अभी कंफर्म नहीं है। तिलक मार्ग से हम लोग इधर घूम के जा रहे हैं। पिछली बार मैं आया था मुझे थोड़ा थोड़ा याद, एकदम बहुत ज़्यादा से याद नहीं है। लोग जा रहे हैं शायद से यही वाला है, क्योंकि ऑटो वगैरह कल 20 रुपये पैदल जाएंगे ज़्यादा मज़ा आएगा और कंटेंट भी अपना ज़्यादा बनेगा। रेडी हो? जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। अपने कर्म की कर दाए। अब ये कहां से आ गए? ये हमारे दीपू भैया है, उनको बहुत मजा आ रहा है। गाड़ी 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 और चालू कर दो, हो जाएगा। सांस रोक के कोई जो मिला था मुझे, ऐसा लगता था मुझे मेरी सारी दुनिया लगी तो फिर तो और नंगो के भर का है कोई। लोग अभी हम यहाँ पे रुके हुए चाय पीने के लिए और पोहे खाने के लिए। ये है दुकान यहाँ पे लगी हुई है। नहीं मेरे को नहीं चाहिए, पाँच एक पोहा। अभी मैं करो, अभी हम ये चाय पी के चाय का रिव्यू आपको बताएंगे। चाय आपको जना के यहाँ चाय का टेस्ट कैसा लगा ये हम आपको बताएंगे। अब इसको देखते हैं आप कितने रेटिंग दे सकते हैं इस चाय वाले। रास्ते बदल चुके हैं और अभी 3 बजे हम लोग वहाँ गए तो भाई ने बोला कि 4 बजे आना, भस्म आरती यहाँ फ्री वाली है। तो 4 बजे भस्म आरती हमको इस बार लेनी है, पिछली बार मैं नहीं ले पाया था। तो फटाफट चलते छिपरा नदी नहा के आ जाते हैं और फिर भस्म आरती के लिए लाइन लगाते हैं ना। हम लोग आ चुके हैं रामघाट आ चुके हैं और इधर पीछे देखो भाई कितना मस्त लग रहा है। और हमारे भाई लोग थोड़ा बिजी है बातें करने में, लेकिन भाई बहुत मस्त लग रहा है यार सुबह आके। इधर देखो आप, सब स्नान कर रहे हैं। रामघाट के दृश्य दिखाया यार आपको सुबह 4 बजे, छिपरा नदी के दर्शन और अभी हमारे भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराएंगे आपको, बाबा भोलेनाथ के दर्शन। उज्जैन में 2 बार आ चुका हूँ, अभी जाना है मेरे को केदारनाथ। अब देखो कितने टाइम में ये मेरी विश पूरी हो पाती है। कि मैं रामघाट नहाने आया था बट ना इधर बहुत भयंकर सीन हो गया यार। देखो वहाँ पे ना एक भाई अभी डूब गया है और मिल नहीं रहा है उसका, मतलब जो उसके साथ भाई आया वो रो रहा है। तो यार प्लीज़ अगर आप लोग कोई आते और तैरना वरना बिल्कुल नहीं आता तो फिर यहीं पास में ही जाया करो। भाई बड़ी दिक्कत है यार, देखो यहाँ आते हो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतज़ार करते रहते हैं, ये सोच के ना भाई थोड़ा आराम से नहाया करो। अभी हमारा ही पूरा मूड ख़राब हो गया वो सब सुनने के बाद, बट क्या है ये सब समय चक्र है, ये सब चलता रहता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नहाने आए। उधर हमारे भाई लोग, उधर हम लोग सिंगल बैठे थे कोई नहीं था, तो ये सब लोग बोले कि भाई वहाँ चलो जहाँ पब्लिक है जहाँ नहा रही है, इधर सब लोग नहा रहे हैं।
तो अभी हम लोग इधर आ गए, नहाते हैं, इसके बाद मिलते हैं और हो सके तो भस्म आरती में चलते हैं।